Redmi Note 5 Pro के लिए न्यू अपडेट आया हुआ है 10X OS ROM का, और इसमें जो है हमें काफ़ी चेंजेस भी देखने को मिले हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। जैसे कि यह डायनेमिक पार्टीशन ROM है, तो इंस्टॉलेशन जो है डायनेमिक पार्टीशन ROM का डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, और इसका फर्स्ट रिव्यू जो है आई बटन पर है। ये सेकेंड अपडेट है जो कि Redmi Note 5 Pro के लिए आया है, तो इस पर हम देखते हैं क्या क्या आखिरकार हमें चेंजेस यहाँ पर मिलते हैं। तो जैसे कि 10X OS का 1.2 वर्जन है ये, और ये ऑफिशियल एंड्रॉयड 14 बिल्ड है, और सिक्योरिटी पैच अपडेट किया गया है अक्टूबर 2024 का। कर्नल सेम है, और ये जो है ओवरक्लॉक्ड कर्नल है। लास्ट बिल्ड में भी ओवरक्लॉक्ड ही था, और अभी भी ओवरक्लॉक्ड ही मिलता है सेम वर्जन के साथ। NQS पैनल में अभी भी थोड़ा सा लैग होता है, बिल्कुल हैवी वाला तो नहीं लेकिन थोड़ा सा लैग है। और टाइल्स यहाँ पे अगर स्क्रॉल भी जैसे करते हो, टाइल्स में यहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हैं तब भी यहाँ पे हल्का सा लैग मिल रहा है। हालाँकि टाइल्स कोई भी न्यू ऐड नहीं हुआ है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की भी सेटिंग सेम है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग से भी लैग होता है। और वॉल्यूम पैनल सेम रहेगा। ऐप ओपनिंग एनिमेशन ये थोड़ा सा अगर देखें तो इम्प्रूव लग रहा है पहले से, तो इसमें जो है एनिमेशन अगर देखें तो थोड़ा सा बेटर हुआ है पहले से। इसमें भी कुछ एप्लीकेशंस पे लाइट लैग रहता है, भी नहीं है लेकिन पहले से इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब यहाँ पे जो लॉन्चर है वो चेंज हो चुका है। लॉन्चर जो है इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आता है, हालाँकि पिछले में पिक्सल लॉन्चर था, बट अभी भी आपको पिक्सल लॉन्चर मिलता है, जो कि इसके सेटिंग से आप दो लॉन्चर इसके अंदर हैं, एक तो लॉन्चर एक पिक्सल का चेंज कर पाओगे। यहाँ पे आइकन स्टाइल से जो है डॉक पे जो थीम अप्लाई होता वो आप यहाँ से इनेबल इसके अंदर कर पाओगे, तो लॉन्चर में आपको कस्टमाइजेशन जो है ज़्यादा मिल जाती है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो है कस्टमाइज़ कर पाओगे। तो कस्टमाइजेशन के जो है अगर आपको लॉन्चर चाहिए तो आप लॉन्चर वाला यूज़ करो, या सिंपल चाहिए तो फिर पिक्सल लॉन्चर आप यूज़ कर सकते हो, जो कि सेटिंग्स में आगे मैं आपको दिखाऊँगा कहाँ से ये चेंज होने वाला है। तो इस बार जो है ऐड किया गया ये। तो जो इस तरीके जो है अगर हम चलते हैं इसके वॉलपेपर एंड स्टाइल की तरफ, तो यहाँ पे फिलहाल अगर देखें तो होम स्क्रीन में कोई चेंज नहीं है फिलहाल जो वॉलपेपर यूज़ कर रहा हूँ, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। लॉक स्क्रीन के अंदर आते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सब कुछ सेम ही है, यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है, और कैमरा भी सेम वर्जन के साथ है जो लास्ट अपडेट में था, तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है। जीकम का यूज़ कर पाओगे, एंड BCR कॉल रिकॉर्डर ऐप इसके अंदर मिलता है, और डॉल्बी एटमॉस बिल्कुल वर्किंग है, FM काम कर रहा है। गेम स्पेस में भी अगर देखें तो सेटिंग्स में कोई चेंज नहीं है। हाँ, जिमनी AI जो है ये जो है इस बार प्री इंस्टॉल इसके अंदर मिलने वाला है, और ओके गूगल का यूज़ कर पाओगे, इसको लेके दिक्कत नहीं है। बाकी कर्नल SU का जो सपोर्ट है नहीं मिलता, और गूगल फोटो के साथ में अनलिमिटेड स्टोरेज का सपोर्ट जो है मिल जाएगा यहाँ पे, इसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्ले स्टोर भी अब जो है बाय डिफ़ॉल्ट सर्टिफाइड मिल रहा है, लास्ट अपडेट पे जो है सर्टिफाइड नहीं मिलता था, करना पड़ता था, लेकिन अभी बाय डिफ़ॉल्ट सर्टिफाइड इसके अंदर मिला है, तो बैंकिंग ऐप अच्छे से यूज़ कर पाओगे। कॉलिंग के बारे में बात करें तो कैरियर वीडियो कॉल का बग रहेगा, वाईफाई कॉलिंग जो है इसका भी बग है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर अच्छे से काम कर रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग फेल हो जाता जो कि पिछले में भी, तो इसके अंदर कॉल रिकॉर्डर ऐप है उसका यूज़ कर लेना, अच्छे से काम करेगा। बाकी यहाँ पे ब्लूटूथ डिवाइस मीडिया कॉलिंग दोनों पे ही अच्छे से काम कर रहा है। अगर बात करें बैटरी बैकअप को लेकर, 2 आवर 50% ब्राइटनेस पर वीडियो प्ले करने के बाद 81% मिला है, लास्ट अपडेट में सेम यूजर्स पे 82% मिला था, तो बैटरी बैकअप पहले जैसे ही रहेगा। अब अगर चार्जिंग को लेकर बात करें तो यहाँ पे 64% चार्ज करने में करीब 2 आवर 4 मिनट के करीब का टाइम लगा है, और बैटरी ड्रेन में देखें तो 60% नाइट में था, मॉर्निंग में 57, यानी कि 3% के आसपास जो है बैटरी ड्रेन हुआ है नाइट में। एंटूटू स्कोर इस बार 2,08,000 है, पिछले अपडेट में 2,26,000 था। और अगर CPU थ्रोटल की बात करें तो इस बार 76% है, और जिप स्कोर मैक्स में 1,45,000 है, एवरेज स्कोर 1,24,000 है। पिछला हमारा CPU थ्रोटल 80% था, और उसका जिप स्कोर मैक्स में जो है 1,36,000 था, एवरेज स्कोर 1,15,000 जो है मिला था। और Geekbench 6 की अगर बात करें तो इस बार जो सिंगल स्कोर है 289 है, मल्टी स्कोर 1121 है, पिछले अपडेट का सिंगल स्कोर 345 था और मल्टी स्कोर 1185 जो है मिला था। अब चलते हैं सेटिंग्स में, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, जैसे 10X के इसके कस्टमाइजेशन सेटिंग्स में आते हैं, यहाँ पे जो कैटेगरीज बनी हुई हैं
ये इस तरीके की पहले भी थी, बट ये सभी जगह नहीं था इस तरीके के स्टाइल में। जैसे कि डिस्प्ले में बिल्कुल नॉर्मल सिंपल स्टाइल में कैटेगरीज बनी थी, लेकिन अब यहाँ पर भी आप देखोगे उसी स्टाइल में बैकग्राउंड के साथ देखने को मिल रहा है। पहले इन सब जगह पर जो है उस तरीके से कैटेगरीज नहीं था, सिंपल था, बट अभी उसी तरीके से हर जगह जो है आपको ये कैटेगरीज देखने को मिलने वाली है, डिस्प्ले के अंदर में भी और बाकी सेटिंग्स में भी। अब स्टार्ट करें 10X से, तो अम्बिन डिस्प्ले के अंदर हालांकि कुछ भी न्यू ऐड नहीं हुआ इस अपडेट में। यूज़र इंटरफेस ये भी जो है पहले जैसा ही है, इसमें भी कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, पहले वाली ही सेटिंग्स यहाँ पे भी है। स्टेटस बार के अंदर क्लॉक एंड डेट में क्या है, यहाँ पे जो साइज का दिया गया स्टेटस बार और कियोस्क के लिए, ये दोनों सेटिंग्स इसके अंदर न्यू ऐड हुआ इस अपडेट में। और स्टेटस बैटरी बार सेम है। एंड यहाँ पे फिर अगर आप नीचे आते हो तो बैटरी स्टाइल के अंदर में ये iOS वाला आउटलाइन वाला जो बैटरी स्टाइल है एक न्यू ऐड हुआ है। और यहाँ पे फिर अगर हम नीचे आते हैं तो इसके अंदर फिर जो है हमें कोई चेंज नहीं मिलता, सेम सेटिंग्स है। एंड क्विक सेटिंग्स के अंदर में आते हो तो यहाँ पे हेडर इमेज में ज़रूर इसके अंदर 10X के हेडर इमेज काफ़ी सारे न्यू ऐड कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके का जो है ये 10X का हेडर इमेज इसके अंदर मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये भी जो है न्यू ऐड हुए हैं। एंड फिर अगर हम आते हैं नीचे में, तो यहाँ पे नीचे आने के बाद में भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सब तो सेम है, बट यहाँ पे ब्लूटूथ डायल जो डायलॉग है ये न्यू है, क्योंकि यहीं पे पहले ब्लूटूथ ऑटोमेटिक ऑन का था जो कि उसको डिलीट करके ब्लूटूथ टायल डायलॉग ऐड किया गया। अब जैसे कि यहाँ पे इनेबल है तो टैप करें तो ये सेटिंग्स ऑपन हो रही, बट इसको ऑफ कर देंगे तो डायरेक्ट ऑन ऑफ हो रहा है ब्लूटूथ। तो इस तरीके से अब ये जो है काम करता है, तो ये चेंज हो चुका है यहाँ पे। एंड फिर यहाँ पे आपको नीचे कोई चेंज नहीं मिलेगा। एंड बटन के अंदर आते हो तो बटन में वॉल्यूम मीडिया बटन न्यू है, और यहीं पे फिर नीचे में आपको पावर मेन्यू ऑपोसिटी और डिम बैकग्राउंड के दोनों ऑप्शन जो है ये पावर मेन्यू के न्यू ऐड किए गए इस अपडेट में। और बटन के अंदर यहाँ पे अंदर में फ़िलहाल कोई चेंज नहीं है, ये बिल्कुल फिर सेम रहेगा। और सेटिंग्स के अंदर में भी यहाँ पे डैशबोर्ड वाले भी अगर हम देखें तो सेम सेटिंग्स है, हालांकि इसके अंदर आते हो तो सिस्टम UI एक बार रिस्टार्ट से होती है, तो थोड़ा सा वेट कर लेना, तो यहाँ पर थोड़ा सा फ्रीज सा होगा जैसे कि सिस्टम यहाँ रिस्टार्ट हो चुका है, इसका जो है रिफ्रेश हो गया एक बार। अब नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे जेस्चर के अंदर में फ़िलहाल क्विक टैप टू स्टार्ट जो है ये एक्शन न्यू ऐड किया गया, जो कि बैक टैप वाला जेस्चर है वो आप यूज़ कर पाओगे इसके अंदर में, तो ये भी न्यू ऐड हुआ है इस अपडेट में। नेविगेशन मोड के अंदर यहाँ जेस्चर में जो है होल्ड हैंडल टू सर्च न्यू ऐड किया गया है, बाकी की सेटिंग सेम रहने वाली है। और सिस्टम के अंदर आते हैं तो यहाँ पर सिस्टम हैप्टिक्स हालाँकि सेम रहेगा, बट यहाँ पे अगर आप और नीचे आओगे तो यहीं पे मिल जाता है क्विक स्विच जो कि न्यू ऐड हुआ। अब इसी में आप देखोगे तो यहाँ पे लॉन्चर आपको दोनों देखने को मिल जाएंगे। पहले जो है पिक्सल लॉन्चर सिर्फ था, ये सेटिंग से नहीं थी, सिर्फ लॉन्चर बाय डिफॉल्ट था पिक्सल का, बट अभी यहाँ से आप स्विच कर सकते हो लॉन्चर को। एंड यहाँ पर जो है लॉकिंग की सेटिंग्स में आते हो तो यहाँ पर फिलहाल बैटरी बार वैन चार्जिंग का जो सेटिंग्स है ये न्यू ऐड किया गया है। और फिर यहाँ पर जो कस्टम यू अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के लिए है जो कि हमारे काम का बिल्कुल भी नहीं, तो इसको इग्नोर ही करें, ये भी न्यू ऐड हुआ बट हमारे काम का नहीं। एंड नोटिफिकेशन काउंट जो है लॉक स्क्रीन के लिए मैक्स लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन ये न्यू ऐड हुआ है। और फिर यहाँ पे एनिमेटेड आइकन जो है म्यूज़िक टिकर में ये भी इसके अंदर न्यू ऐड किया गया है। नोटिफिकेशन में हालाँकि कोई चेंज नहीं है, सेम सेटिंग्स है। एंड नेविगेशन के अंदर में भी कोई चेंज नहीं है। बैटरी के अंदर आपको यहाँ पर जो है आइडल मैनेजर जो लास्ट में मिलता है ये न्यू है। एनिमेशन में भी यहाँ पे फ्लिंग एनिमेशन या फिर सो स्क्विगल एनिमेशन ये दोनों न्यू है। स्क्विगल एनिमेशन ये मीडिया प्लेयर के लिए है। एंड नीचे आओगे तो फिर यहाँ पे आपको टोस्ट एनिमेशन और पावर मेन्यू एनिमेशन मिलता है, ये दोनों भी यहाँ पे न्यू ऐड किए गए इस अपडेट के अंदर में। मिसलिनियस के अंदर पहले स्पूफिंग के बिल्कुल ओपन थे, अब यहाँ पे आपको फोल्डर मिलता है स्पूफिंग का, इसी के अंदर जो स्पूफिंग की सेटिंग्स है जिसमें से और ऊपर के दो तीन ऑप्शन न्यू भी हैं। और यहाँ पे प्ले स्टोर का फिक्स करने के लिए भी अब एक्स्ट्रा सेटिंग्स मिल जाती पहले के मुकाबले में। अब यहाँ पे अगर बात करें थ्री फिंगर स्वाइप की, तो इसका प्रॉब्लम था पिछले में टू फिंगर वाला, वही गेम में इशू आ रहा था, तो उसको भी फिक्स कर दिया गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहीं पे आप जब नीचे आओगे तो यहाँ पे ऑलवेज शो टाइम जो दिया है साउंड एंड वाइब्रेशन के मीडिया के अंदर था, अब यहाँ पे मूव कर दिया गया है। और फिर यहाँ पे कोई चेंज फिलहाल नहीं है, तो इस तरीके की सेटिंग्स हालांकि यहाँ पे रहेगा। अब नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाओगे इसके हॉटस्पॉट में, तो कनेक्टेड डिवाइसेस और हिडन नेटवर्क ये दोनों ही न्यू ऐड किए गए हैं, और हॉटस्पॉट काम कर रहा है। वहीं कनेक्टेड डिवाइसेस में जाते हैं तो यहाँ पे ब्लूटूथ टाइम आउट न्यू ऐड हुआ, और वाईफाई के अंदर में भी टाइम आउट आपको इसी तरीके का न्यू मिल जाएगा जो कि ऐड हुआ फिलहाल इस अपडेट में। ऐप्स के अंदर आने के बाद में यहाँ पे असिस्टेंट तो वर्किंग है, बाकी लॉन्चर ऑलरेडी आपको बता ही दिया हूँ। और
बैटरी के अंदर में भी चेंज हुआ है, जैसे कि यहाँ पे बैटरी चार्जिंग वार्निंग ये न्यू ऐड किया गया इस अपडेट में और बाकी सेटिंग सेम रहेगी। फिर आते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन की तरफ। तो यहाँ पे हालांकि हमारा जो वाइब्रेशन एंड हैप्टिक है अच्छे से काम कर रहा है, यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। डिस्प्ले के अंदर आते हो तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन टाइम आउट न्यू मिल जाएगा, पहले सिर्फ स्क्रीन टाइम आउट था बट लॉक स्क्रीन टाइम आउट न्यू है। एंड यहाँ पे नीचे आने के बाद में यहाँ पे पहले अलाउ विंडो लेवल ब्लर का सेटिंग्स था जिसको रिमूव कर दिया गया इस अपडेट के अंदर में, तो ये चेंजेस डिस्प्ले में है। एंड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर आते हैं तो यहाँ पे डिवाइस अनलॉक में उसे हमारा जो सेटिंग्स है सेम है, और फिंगरप्रिंट और जो फेस अनलॉक है दोनों का रिस्पॉन्स भी अच्छा ही है पहले की तरह। तो यहाँ पे हालांकि ऐसे कोई दिक्कत नहीं, अच्छे तरीके से आप यूज़ कर पाओगे फेस अनलॉक भी और फिंगरप्रिंट भी। और अब चलते हैं मोर सिक्योरिटी के अंदर में। तो यहाँ पे आने के बाद मैं आपको नीचे चल के थोड़ा सा मैं दिखा दूँ, थेफ्ट प्रोटेक्शन मिलता ही है, ऐप लॉक है, बाकी ये रोम जो है बाय डिफॉल्ट डिक्रिप्टेड है, ये सब सेटिंग सेम रहेंगी। एंड सिस्टम के अंदर आते हो जेस्चर में तो ये ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, एंड सिस्टम अपडेट है, और लास्ट में फिर डिवाइस सेटिंग्स है जिसमें MI साउंड भी है, तो यहाँ से आप यूज़ कर पाओगे। तो ये सब कुछ जो है फ़िलहाल हमें यहाँ पे मिलने वाला है। अब चलते हैं गेम के अंदर में। तो यहाँ पे हालांकि अगर बात करें तो यहाँ पे जो एक क्रैश कर रहा है इसका भी रीज़न आपको बता दूँ कि गेम स्पेस में इसके जाओगे तो यहाँ पे एक जो है क्विक स्टार्ट ऐप है, यहाँ से इस गेम को सिंपली हटा देना अगर आपने ऐड किया तो, इसी की वजह से क्रैश कर रहा है। मे बी आगे के अपडेट में ये फिक्स हो जाए बट अभी उसको हटा देना अगर ऐड करके रखो, आप देख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही यहाँ पे। और ग्राफिक यहाँ पे पहले की तरह ही अनलॉक है, स्मूथ पे मीडियम, बैलेंस पे मीडियम, उसके आगे अनलॉक नहीं है, इसलिए स्पूफिंग का जो गेम का दिया है वहाँ से आप अगर JSON फाइल इसका यूज़ करोगे तो ग्राफिक आपके अनलॉक हो जाएगी। बट ऐसे अगर हम बात करें इसके परफॉर्मेंस को लेकर के तो गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा आपको यहाँ पे नहीं मिलता इस रोम के अंदर में, और अगर आप स्पूफिंग भी यूज़ करोगे तो ज़्यादा कुछ खास फ़र्क वैसे मेरे हिसाब से पड़ने वाला नहीं है। FPS ज़रूर आपका अनलॉक हो जाएगा, अभी तो फिलहाल वही 25 FPS के हिसाब से ही खेल सकते हैं, इतने ग्राफिक जो अनलॉक है अभी फिलहाल तो बिल्कुल भी अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस नहीं रहेगा। बट अनलॉक कर ले तो थोड़ा FPS बेटर हो जाएगा, पर फिर भी मैं कहूँगा कि गेमिंग जो परफॉर्मेंस है वो आपकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होने वाली है। तो कुछ इस तरीके का जो है ये अपडेट है, यही सारे चेंजेस थे जो आपको बताया इसके अंदर में, और यही सब कुछ था जो कि हमें यहाँ पे मिलता है। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।